नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कस्बा बाजार स्थित देसी शराब के सामने गुरुवार को आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से तेज रफ्तार बाइक जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक चालक हेतिमपुर गांव निवासी आकाश शर्मा 25 की मौत हो गई, जबकि उसका मित्र राहुल शर्मा 24 गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मौत से स्वजन में कोहराम मचा रहा। आकाश व राहुल भैतपुर स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल लेकर तेज गति से तहसील की ओर जा रहे थे। रफ्तार तेज होने की वजह से देसी शराब की दुकान के पास आगे जा रहे ट्रैक्टर की ट्राली में पीछे से भिड़ गए। इसके बाद दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। आसपास के लोग और दुकानदार खून से लथपथ दोनों घायलों को कस्बा बाजार PHC उपचार के लिए लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर अभिषेक यादव ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि स्वजन जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। आकाश कस्बा बाजार स्थित हार्डवेयर की दुकान पर पिता वकील शर्मा के साथ रहता था। दुकानदारों ने बताया कि आकाश काफ़ी तेज गति में बाइक चला रहा था, दोनों के सिर में गहरी चोट थी। नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव के समीप बुधवार की शाम लगभग 7 बजे UBI बैंक के फील्ड ऑफिसर रोशन की बाइक चोर ले भागे। फील्ड ऑफिसर रोशन ने नंदगंज स्थित यूनियन बैंक शाखा को बंद कराकर तकरीबन 7 बजे गाजीपुर शहर अपने आवास को जा रहे थे, तभी धरवा के पास बाइक खड़ी कर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर रुक गए। तभी एक युवक गाड़ी में चाबी लगा देख बाइक लेकर वहाँ से फरार हो गया। बाइक की डिग्गी में टिफिन रखी थी। रोशन ने शोर मचाया और उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक वह युवक बाइक लेकर भाग निकला। फील्ड ऑफिसर रोशन ने बाइक चोरी की सूचना स्थानीय थाना में दी है। थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने बताया कि बाइक चोरी की तहरीर मिली है, पुलिस छानबीन में जुटी है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सदर ब्लॉक के बरकाबाद में स्थित कोटे की दुकान पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुरुवार को अन्न महोत्सव के मौके पर वर्चुअल संबोधन मौजूद लोगों ने ध्यान से सुना। सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने पात्रों को थैलायुक्त निःशुल्क राशन वितरित किया। इस मौके उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से गरीबों पर कोरोना की मार पड़ रही है, इसको देखते हुए PM मोदी ने निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर उनकी परेशानियों को दूर करने का कार्य किया। आज पूरे देश में गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर मानवीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा गांव, गरीब और किसानों के हितैषी है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसके चलते गरीब एवं किसान भाजपा के साथ तेजी से जुड़ रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, सदर CO ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल मिश्रा, ग्राम प्रधान बकराबाद संजय बिंद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रंजीत कुमार, सभासद प्रतिनिधि अनूप खरवार, विकास बलवंत सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा के विशेष प्रयास से गुरुवार को सकरताली गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मुंशी लाल के उपस्थिति में टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। शिविर को लेकर गांववासियों में उत्साह रहा, उन्होंने बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया। शिविर में कुल 250 महिला पुरुषों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा ने उत्साहपूर्वक टीकाकरण कराने के लिए ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण करने वाली स्वास्थ्य विभाग में टीम में BSW सरोज राय, सविता कुमारी, स्नेहलता, CHO शशि विश्वकर्मा, आशुतोष एवं विवेक प्रधान शामिल रहे। गाजीपुर अवर अभियंता कासमाबाद झोटारी महरौर रोहित कुमार ने बताया कि 132 KV उपकेंद्र कासमाबाद में इनका 20 MVA पावर ट्रांसफार्मर दिनांक 3/9/2021 को जल गया है, जिसकी सूचना सहायक अभियंता ट्रांसमिशन विकास कुमार ने दिया। साथ ही उन्होंने 20 अगस्त तक जले परिवर्तन को बदलने जाने का समय बताया। अवर अभियंता झोटारी कासमाबाद इंजीनियर रोहित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे में 3 विद्युत उपकेंद्र कासमाबाद, महरोड, झोटारी को अल्टरनेट रूप में बारी बारी से चलाया जाएगा और किसी भी उपकेंद्र को अधिकतम 16 घंटे आपूर्ति दिया जा सकता है एवं अत्यधिक भार बढ़ने की स्थिति में फीडर्स की रोस्टिंग की जा सकती है। जनता को ही तकनीकी कारणों से असुविधा के लिए खेद है, अपील है विद्युत कर्मियों के साथ सहयोग करें। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।